हाय गाइस, मेरा नाम परविंदर है और मैं फिनलैंड में रहता हूँ। सो मैं अभी रिसेंटली फिनलैंड शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तो मेरे को काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से एक और नई चीज़ आज मैंने देखी है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जब आप फिनलैंड जैसी कंट्री में आते हैं और यहाँ पे अगर अपार्टमेंट रेंट करते हैं या फिर खरीदते हैं, तो उसके साथ साथ आपको बिल्डिंग में और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, जो कि एक आज हम रिवील करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। तो गाइज, अभी हम वॉशिंग एरिया में एंट्री कर चुके हैं। जैसा आपने लास्ट टाइम देखा होगा, तो ये सामने हमारा वॉशिंग एरिया है और इसके जस्ट यहीं पे एग्जैक्टली ये वो डोर है जिसमें हमें जाना है। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ इस रेफ्रिजरेशन के अंदर। जी, ये काफ़ी बड़ा है, आप इजीली आ सकते हैं। लाइक तो इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पर फ्लैट वाइज डिवाइड होता है। जैसे कि ये फ्लैट नंबर 1 का है, ये फ्लैट नंबर 2 का है, और कुछ इस तरीके से ये फ्लैट नंबर 11 का है और ये फ्लैट नंबर 9 का है। और इसके नीचे भी सेक्शंस ही हैं, राइट। जैसे ये 7 का है, ये 6 का है। और अगर मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँ इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ बेसिकली ये होता है, अगर जैसे यूरोप में बीफ वगैरह काफ़ी खाया जाता है, पोर्क वगैरह काफ़ी खाया जाता है, राइट। तो काफ़ी फैमिलीज होती हैं जो बड़े बड़े जैसे बीफ बुचर्स करवाती हैं, उनको कटवाती हैं और रखवाती हैं। तो यहाँ पे लाके आप अपनी मीट या फिर कोई आपके ऐसी मेडिसिन है जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत है, उसको भी आके स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को आप यहाँ पे लाके रख सकते हैं। जैसे जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, वो अपार्टमेंट 1 BHK है, तो वहाँ पे इतना स्पेस एरिया नहीं है और मैं 2-2 फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों में मुझे हेल्प मिलती है कि मैं कुछ भी अपनी सीजनल वेजिटेबल्स हो गई या फ्रूट्स वगैरह हो गए या कोई मीट या फिर अपना कोई भी मेडिसिन यहाँ पे ला के रख सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्लीज़ बताइए, ये इसका एक टेम्परेचर कंट्रोल है, राइट। तो अभी आप जैसे यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे, तो इसका टेम्परेचर 0 से 1 के बीच में है, तो ये कूलिंग स्टेज पे है। ये कूलिंग स्टेज में है, तो इस टाइम पे यहाँ पे बर्फ नहीं जमती है, बट इसका टेम्परेचर इस तरीके से मेंटेन किया गया है जिससे कि चीज़ें खराब ना हो। और ये एक और चीज़ है, यहाँ का कंप्रेसर है, ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा कंप्रेसर लगा हुआ है टिल द एंड। तो ये काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो गाइज, ये एक डिफरेंट चीज़ है इंडिया से जो यहाँ पे मिलती है अगर आप एक फ्लैट सोसाइटी में रहते हैं, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी नया जानना हो या फिर इस चीज़ को देख के कोई भी क्वेश्चन खड़ा उठाओ तो प्लीज़ कमेंट में लिखे, वी विल रिप्लाई। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।